गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द आवर न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल बारिश हुई थी। आज ठंड भी ज़्यादा है और बाहर का वेदर बेहद खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ही। मतलब इतना ओस गिर रहा है जैसे कि बारिश हो रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और हाँ, प्लीज़ सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, हम भी रखते हैं। आप लोग अपना और अपना परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। हम छत आ चुके हैं और आपको छत का व्यू दिखाते हैं हम कैसा है। चलते हैं नीचे, नहीं तो ये बहुत चिल्ला रहे हैं कि ठंडा में ऊपर गई है, ठंडा लग जाएगा, जल्दी आओ। क्योंकि ओस इतना ज्यादा गिर रहा है कि पूरा बारिश के जैसा फील हो रहा है, लग रहा पूरा बारिश से गिर रहा है। तो भागते जल्दी जल्दी नीचे, नहीं तो ये चिल्ला रहे हैं बहुत ज्यादा कि छत पे क्यों गई है। तो चलते हैं नीचे हम। और यहाँ पूजा झाड़ू मार रही है। फिलहाल तो हम इस रूम का बेडशीट चेंज कर रहे हैं क्योंकि बेडशीट में इसका गंदा हो गया था। तो आज सुबह नाश्ता बनाना नहीं था हमको, तो हम सोचे नहा ही लेते हैं। तो जाके तुरंत नहा लिए। नहा लेने से एक बहुत बड़ा काम हल्का हो जाता है। और आज तो पूरा फॉगी डे है, फिर भी हमने आज नहा लिया। तो अब चलते हैं किचन में नाश्ता का कुछ इंतजाम करने। तो हम लोग नाश्ता करने के लिए आ गए हैं और इची ऑनलाइन क्लास कर रहा है। तो दिखाते हैं कि हम लोग क्या नाश्ता कर रहे हैं। तो देखिए ये नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते में आज क्या है, झाल मुड़ी, झाल मुड़ी और चाय। हम गए थे छत कपड़ा फैलाने के लिए, तो छत पर इतना अच्छा अमरूद था कि देखिए हम तोड़ के लाए और इसका आधा हमने इची को दिया कट के। इची बोल रहा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बोलता पूरा खच खच, बहुत टेस्टी है। तो सारा काम करके हम आ गए किचन अब दोपहर का लंच बनाने के लिए। तो आज वेदर तो बहुत अच्छा है क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो हस्बैंड बोले कि एकदम तीखा करके मटन बनाओ, तो आज वो मटन भेज दिए तो हम आज मटन बनाएंगे। तो देखिए उसके लिए मैंने आलू यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने अनियन भी कट कर लिया और मटन भी यहाँ पर बेसिन में रखा हुआ है। इससे पहले मैं वॉश करूँगी अच्छा से, उसके बाद बनाऊंगी। तो इसमें हम पूरा पिसा हुआ मसाला डाल रहे हैं, अदरक लहसुन सूखी मिर्च जीरा गोलकी सब कुछ। तो ही तो मटन का खाने का मजा है ऐसा मौसम में। तो हम किचन आ चुके हैं, देखिए फिर से। तो मैंने चावल बना लिया और मटन ऑलमोस्ट पक गया है। तो बच्चे लोग खाने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं बना के नहीं। देखिए मटन पूरा कंप्लीट हो चुका है बन। तो देखिए ऋषि का खाना हम निकाल दिए हैं, तो ऋषि चला अपना खाना लेके। यहाँ पर मेरा दोनों बच्चा मटन चावल खा रहा है, भयंकर टेस्ट। ये रहा मटन और ये दोनों बेटा खा रहा है। आज आपको मटन नहीं देंगे हम, दोनों कटोरी हम खाएंगे। आप नमक पास खा लीजिए, मेरा तीसी रखा हुआ, तीसी हाँ लो। हम आज दोनों कटोरी खाएंगे, हम नहीं देंगे आपको आज। हम तीसी भाग खाएंगे, हमको ऐसे भी हम देखिए नहीं, हम दोनों खाएंगे। ऐसे भी हमको नॉनवेज उतना पसंद नहीं है, तो आज खाओ, आज हम दोनों खाएंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नमक भाग खाओ। फाइनली पापा को यहाँ मिली गया उनका मटन, पापा छीन लिए मम्मी से मटन, वे हमको भी खाना है। और दे मम्मी आपको लाके, नहीं हम अभी खा के और लेंगे। शाम के बज गए 6:30 और हस्बैंड आ चुके हैं घर। तो आने के बाद ही अब हम चाय पीते हैं। तो आज तो हम लोग दिन में मटन खाए थे, इसलिए आज बन रही है काली चाय। तो काली चाय के साथ हम लोग क्या खा रहे हैं, थोड़ा सा मुढ़ी, मुढ़ी और उसके साथ है सेव। देखिए तो हम लोग चाय भी पी लिए हैं और इची यहाँ पे कर रहा है ड्राइंग, जो कि बहुत अच्छा स्केच हो रहा है। हाँ था बेटा, देखिए उसका ड्राइंग, ये जब पूरा बनेगा तो हम आपको जरूर दिखलाएंगे। पर ये बहुत अच्छा बन रहा है, कलर होने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए हम किचन आ गए हैं और आके यहाँ पर हम आटा सान रहे हैं, पराठा बना देते हैं और सबको पराठा ही आज खिला देते हैं डिनर में। तो हम आटा सान लिए और पराठा बनाने हम जा ही रहे थे, तो हस्बैंड बोले हम क्या करेंगे, बैठ के लाओ हम बना देते हैं, तुम थोड़ा बैठो। तो अच्छा है ना, बैठना कौन नहीं चाहेगा, तो ये बना दे रहे हैं और हम बैठ के इसे पक 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 करेंगे। यही तो समय मिला लॉकडाउन में। यहाँ पे एकदम बन रहा है मस्त में घी में तल तल के पराठा। तो रात के बज चुके हैं 9 और हम लोग आ गए हैं डिनर लेने के लिए।
तो चलते हैं डिनर लेने के लिए। देखिए डिनर में मटन बना था दिन में, तो उसी को सुखा के फिर से पूरा ये कर दिए, और पराठा गुड़ और मटन और थोड़ा राइस बचा था हम वो भी ले लिए, और वहाँ पे इजी खा रहे हैं। उसके बाद इजी अपना ड्राइंग कंप्लीट करेंगे, और उसके पापा फोर्स कर रहे हैं कि गुड़ खाना चाहिए बेटा, तो गुड़ खाओ। तो गुड़ फिलहाल इधर से उधर लुढ़क रहा है। डिनर वगैरह लेके हम आए हैं रूम में, और इची जो ड्राइंग कर रहा था उसको दिखाते हैं, बहुत सुंदर बनाया वो ड्राइंग। ये रहा इची का ड्राइंग, इची सीधा खड़ा रहो। तो ड्राइंग बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग देखिए। तो अभी रात के बज चुके हैं 10, और करते हैं अब सोने का तैयारी। तो ये दोनों तो फिलहाल मोबाइल में है, तो दोनों से मोबाइल हम पहले ले लेंगे, उसके बाद चलेंगे सोने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं इस ब्लॉग का वहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।